हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेल नारंग। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस के टॉपिक नंबर 2 से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है, तो इसका आंसर होगा बी आइसोप्रीन। बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणु भार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक यानी कि पॉलीमर कहा जाता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। आइसोप्रीन एक रंगीन द्रव है जो पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी नायलॉन। ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक हैं, परंतु नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। आप जानते हैं कि ऊन, चमड़ा और रेशम सभी हमें प्राकृतिक स्रोत से मिलते हैं, जबकि नायलॉन एक सिंथेटिक रेशा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्युलोजी रेशे का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा रेयन। काटन, सन, जूट, लिनिन आदि सेलुलोज के बने होते हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा डी पॉलीएथिलीन। प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं, तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। ऊंट, याक, एल्पेका, लामा तथा कश्मीरी बकरी आदि ऊन धारण करने वाले जंतु हैं, यानी कि उपरोक्त सभी ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं, तो इसका आंसर होगा ए शाकाहारी। भेड़ तथा रेशम कीट शाकाहारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेशम है, तो इसका आंसर दिया हुआ है उपयुक्त सभी, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए जंतु रेशे, क्योंकि एक जंतु द्वारा एक कीट द्वारा प्राप्त होता है, रेशम के कीट द्वारा। और आपको पता है कि वे रेशे जो जंतु और पादपों से प्राप्त होते हैं उनको प्राकृतिक रेशे बोलते हैं, और जबकि वे रेशे जो मानव निर्मित होते हैं उनको संश्लेषित रेशे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीपैराफिनिल ट्रेप्थोलेमाइड पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है, इसका ब्रांड नाम केवलर है। क्वेश्चन नंबर 9, टेफ्लोन का सामान्य नाम है, तो इसका आंसर होगा ए पॉलीटेट्राफ्लूरोइथिलीन PTFE एक संश्लेषित फ्लूरो बहुलक है। इसका साधारण नाम टेफ्लोन है। PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। मुख्यतः इसका कार्य बर्तनों पर न चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य ऑक्साइड इस प्रकार हैं, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीमर नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH2O5CONH होता है। यह नायलॉन के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। 13, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, यानी कि जीवों द्वारा विखंडित या अपघटित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है डी PVC। जैव निम्नीकृत यानी कि बायोडिग्रेडेबल बहुलक वे हैं जिनका विखंडन जैविक प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृतिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है।
सेल्युलोज स्टार्च एवं प्रोटीन जैव निम्नीकृत बहुलक हैं, जबकि पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है। साधारण भाषा में इसे ही पॉलीथीन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो इसका आंसर होगा सी, कोशित। कोशित मीन्स प्यूपा। रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 15, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं? तो इसका आंसर होगा डी, सहतूत की पत्तियां। रेशम कीट कीट वर्ग का प्राणी है और यह सहतूत के पत्तों पर पनपता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा डी, मोती। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है, रेशम का कीट सहतूत की पत्तियों पर पनपता है, जो लाक है वो कैरियर लिक्का और लेसिफर लिक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट हैं जो फूलों से मकरकंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव पिक्टेडा या पर्ल ओयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।